पंजाब असम्बली में हंगामा आरई का केस, तहरीक इंसाफ के 19 अराकीन असम्बली के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सप्तान खान, महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और डॉक्टर मुराद रास के वारंट जारी। डॉक्टर यासमिन राशिद, फयाजुल हसन चौहान, सादिया सुहेल, सानिया कामरान, आबिदा राजा, मोमिना वहीद, शाहिदा अहमद, सिमाबिया ताहिर और जैनब उमर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, 40,000 महाना से कम आमदनी वालों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 90 लाख खानदानों को BISP के तहत 266 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। BISP की रकम 250 अरब रुपए से बढ़ाकर 364 अरब रुपए मुख्तस की गई। तरक्याती बजट 800 अरब रुपए मुख्तस, दिफा के लिए 1523 अरब रुपए रखे गए। कुल अखराजात का तखमीना 9118 अरब रुपए होगा। वजीर खजाना ने 9502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। लाहौर के ताजरों ने बजट तकरीर सुनी। मार्च में 16 अरब डॉलर के जखायर 9 अरब डॉलर पर चले गए। 12 लाख से ऊपर आमदन वालों पर ये फ्लैट टैक्स लगा रहे हैं। हम 6% से ऊपर ग्रोथ रेट छोड़ कर गए थे, उनका निफ्स से भी कम है। लोग इस बजट से कोई सिम्त और रिलीफ मांग रहे थे जो कि नहीं मिला। हुकूमत ने नए माली साल का सिर्फ 7,000 अरब का टैक्स हदफ रखा। साबिक वफाकी वजीर हम्माद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहें जुलाई के बजाय 30 जून को मिलेंगी। पंजाब हुकूमत का मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें 30 जून को जारी करने का फैसला। 1, 2 और 3 जुलाई को बैंक्स में छुट्टी के बायस तनख्वाहें चंद रोज पहले जारी की जाएंगी। सूबाई वजीर अताउल्ला तारड़ ने परवेज इलाही से डील की तरदीद कर दी। कहते हैं ना कोई मजाकरात हुए ना कोई डील। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। पंजाब का बजट तारीखी होगा, आवाम को रिलीफ देंगे। बहुत जल्द काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। PP 167 से नून लीगी उम्मीदवार नसीर भट्टा और मोहम्मद सलीम के कागजाते नामजदगी चैलेंज। यासमिन राशिद और PTI उम्मीदवार अदनान जमील ने कागजाते नामजदगी को चैलेंज किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नसीर भट्टा से कल जवाब तलब कर लिया। मार्केट्स की बंदिश के मामले पर ताजिर बरादरी तकसीम। कुछ ताजिर रहनुमाओं की मार्केट्स रात 9 बजे और कुछ ताजरों की रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं कि ताजरों की मुशावरत से फैसले होंगे। और वासा में मनपसंद अफसरान पर नवाजिशात का स्कैंडल सामने आ गया। इंतजामिया ने खिलाफ कानून सर्विस पूरी हुए बगैर ऑफिसर्स को तरक्कियां दी। आसिफ अली और अंस रहमान को खिलाफ जाबता डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पर तरक्की दी गई। इंक्वायरी कमेटी ने दोनों ऑफिसर्स की तरक्की को गैर कानूनी करार दिया।